मिशन परिवार विकास अभियान के तहत सदर अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से योग्य एवं इच्छुक लाभार्थियों को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कनक रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में अलग अलग स्टॉल लगा करके सभी लोगों को परिवार नियोजन की महत्व, आवश्यकता और अपनाने से होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मेले के लोगों के बीच वितरण के लिए परिवार नियोजन के साधन जैसे अंतर, छाया, निरोध, कॉपर टी, माला के साथ निश्चय किट की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। बड़ी संख्या में लोग परिवार नियोजन मेला पहुंचे थे और उन्हें परिवार नियोजन से होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला का पखवाड़ा लगाया गया है, क्या पखवाड़ा चल रहा है अभी 427 का। तो हम लोग DHS के हेल्प से मतलब हॉस्पिटल के द्वारा एक स्टेशन का काउंसलिंग करने का एक मेला है, समझिए एक तरह से एक उसका आयोजन किया है कि जल्दी प्लान का जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है उसके बारे में उनको जानकारी देंगे और जो जिसके लिए तैयार होगी उसको मेथड के लिए हम लोग तैयार करेंगे और वो प्रोवाइड करेंगे। इसी के लिए आज हमें एक मेला ये मेला आगे बढ़ रहेगी कि और मेला तो आज ही रहेगा लेकिन पखवाड़ा आज काउंसलिंग डे है, हम लोग जागरूक करेंगे कि हमारे परिवार जो है वो कम होना चाहिए, जिसका क्या लाभ है और कौन चीज़ आपके लिए क्या अच्छा है उसके लिए उनको प्रयास करना। एक मिनट, मैं परिवार नियोजन पखवाड़ा लगाया गया है के तहत एक मेला लगाया गया है सदर अस्पताल में, जो कि मैडम और सब लोग मिलकर के इसको मैनेज किए हैं। DHS के तरफ से लोगों को अनुमति दिया गया था। ये पखवाड़ा जो है हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए, फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए हम लोगों को ये पखवाड़ा लगाया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना परमानेंट परिवार नियोजन कराएं या टेम्प्रोरी मेथड से भी उसको गैप देने के लिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या एक दो बच्चे के बाद और नहीं चाहिए उसके लिए भी गैप देने के लिए हम लोग बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम लोग आएँ और उसको समझें और उसको अपना अपनाएँ। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। जिलेवासियों को क्या कहना चाहेंगे जी, परिवार नियोजन को लेकर जिलेवासियों को क्या संदेश देंगे? जिलावासियों को कहेंगे कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा बच्चा अच्छा नहीं होता है, दो बच्चे ही काफ़ी हैं, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें। और एक बात और ये कहना चाहूँगी, इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं, पुरुष को भी बराबर हिस्सा लेना है और उन लोगों को भी अपना ऑपरेशन NSV